आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। खबर भोपाल से। थाना अरेरा हिल्स के अपराध क्रमांक 371/23 धारा 307/34 के अपराध की घटना में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी पप्पू चटका, विक्की, वाहिद, शाहरुख व अन्य द्वारा शाहिद नामक व्यक्ति पर किया था हमला। आरोपी द्वारा चाकू तलवार से मारपीट कर शाहिद को 20 से अधिक बार कर चोटें पहुंचाई गई थी। गंभीर हालात में शाहिद को हमीदिया अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया था, जहां राजीनामे की बात को लेकर बदमाशों द्वारा शाहिद को पीतल मंदिर के पास बुलाया गया। वे पहले से ही मौजूद थे। नामचीन बदमाश विक्की, वाहिद, पप्पू चटका, शाहरुख व अन्य, जिन्होंने की थी शाहिद के साथ मारपीट, घटना दिनांक से ही फरार थे। आरोपी की तलाश में क्राइम ब्रांच व अरेरा हिल्स थाने की टीमें लगाई गई थी, जिसके तारक्रम में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। द खबरदार न्यूज के लिए मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सर, भोपाल साइबर क्राइम द्वारा सर एक फ्रॉड वाले एक आदमी को पकड़ा, सर क्या था पूरा मामला? साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले और साइबर धोखाधड़ों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। पूर्व में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, इसकी रिपोर्ट की गई थी। एक नेवी के अफसर हैं जिनको DCP क्राइम मुंबई के नाम से फ्रॉड कॉल करके और इनके काफ़ी 68 लाख का इनके ऊपर जो फ्रॉड किया गया था। इस मामले में 3 आरोपी राजस्थान और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे, उसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा 2 आरोपी वायनाड केरल से क्राइम साइबर क्राइम के द्वारा दबिश देकर पकड़े गए हैं और इनको कोर्ट पेश किया गया है। इस मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनसे कई मामलों में इस तरह की साइबर ठगी के केसों का खुलासा होने की हमें उम्मीद है। सर, 5 के अलावा कोई और आदमी है सर इसके साथ में? इसमें रैकेट में शामिल हैं, पूरे तरह से कई किलो के रैकेट चलाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। इन लोगों का जो नेटवर्क होता है, इसमें हमने राजस्थान और दिल्ली और केरल 3 स्टेट से इस रैकेट के 5 आदमी को पकड़ा है। अभी अन्य लोगों की पहचान और पतारसी की जा रही है, जिनकी पहचान स्थापित होने के बाद इनको ऊपर धर पकड़ की कार्रवाई की जाएगी। सर, इन 5 का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? साइबर ठगों का जो कुछ का उनमें आपराधिक रिकॉर्ड मिला है और कुछ के खिलाफ अभी हमें अपराध की जानकारी नहीं मिली। संभवतः लोग नाम बदलकर इस तरह की वारदात करते हैं, इस कारण आपराधिक रिकॉर्ड ढूंढने में हमें समय लग रहा है।